हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एंड इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर डूइंग अनदर चैप्टर ऑफ बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, दैट इज थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ये एक बेसिकली एक एक्सटेंशन पार्ट है दैट वी हैव कवर्ड द प्रीवियस चैप्टर, दैट इज प्रोबेबिलिटी थियरी। तो ये उसी का एक जो है ये एक्सटेंशन पार्ट है। ऑलराइट, सो थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज बेसिकली ऑल्सो नोन एज एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, हमने जो प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था दैट इज कॉल्ड दी दैट इज प्योरली बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। राइट, लाइक अगर आपको मैं एक कॉइन दे दूं एंड इफ आई आस्क वट वुड बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, सो यू विल डेफिनेटली से दैट दैट वुड बी हाफ। सिमिलरली फॉर दी टेल, दैट वुड बी हाफ। ठीक है, बट आप हाफ कैसे कह सकते हो? ठीक है, मीन्स आप ये कह सकते हो दैट भी अगर आप कोई कॉइन कॉइन अगर फ्लिप करते हो, सो इट बेसिकली अ टेस्ट वेदर द कॉइन इज बाइज्ड और अनबाइज्ड। राइट, मीन्स अगर मान लीजिए अगर आपने कॉइन जो है फ्लिप किया, सपोज 3 टाइम्स फ्लिप किया या 4 बार चलो फ्लिप किया, भाई 2 बार हेड आया 2 बार टेल आया, सो यू कैन से कि भी क्या कहते हैं कॉइन जो है वो अनबाइज्ड है। ठीक है, सो दैट मीन्स ये कह सकते हो कि एक जगह जो है वन साइड जो है टेल है एंड वन साइड जो है वो हेड है, इसलिए कह सकते हो। ठीक है, अगर जैसे देखिए एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली हेल्प्स इन मेकिंग डिसीजन एफिशेंटली। कैसे कह सकते हैं, सपोज दी सपोज दी ओनर ऑफ ए रेस्टोरेंट बेसिकली मस्ट नो अबाउट द टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स, लाइक अबाउट द लाइक्स एंड डिसलाइक। अगर उसको नहीं पता होगा सो दैट वो रेस्टोरेंट में जो भी लाइक फूड प्रोडक्ट्स जो कि सप्लाई कर रहा है, अगर वो कंज्यूमर की लाइक डिसलाइक को नहीं पता होगा, उसकी पसंद नापसंद नहीं पता होगी, तो वो कैसे सप्लाई कैसे करेगा। ठीक है, तो लाइक सपोज अगर मानो सपोज इफ आई टेक अनदर एग्जांपल, अशू मेकर मस्ट नो दी दी एवरेज साइज ऑफ ए लाइक कह सकते हैं कि ऑफ ए ऑफ द कस्टमर्स फीट, एक एवरेज पता होनी चाहिए। अगर वो शू मेकर अगर शू बना रहा है सो लाइक कुछ भी हो सकता है, ठीक है, फीट का उसको पता होना चाहिए भी साइज़ क्या है, तो सर सो दैट ही कैन मेक दी एक उनको एक अच्छी सी सेल हो जाए। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं लाइक ऑन द बेसिस ऑफ द पास्ट बिहेवियर ऑफ ए पर्टिकुलर इवेंट वी आर गोइंग टू मेक अ डिसीजन, दैट इज कॉल्ड एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। राइट, सो इसमें आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्योरली यहाँ पर देखिए नाम लिखा हुआ है दैट इज फ्रीक्वेंसी, दैट मीन्स आपको कुछ डेटा गिवन होगा एंड ऑन द बेसिस ऑफ द डेटा यू नीड टू एनालाइज वेदर दिस इज अ वेदर टू मेक एनी डिसीजन इज फ्रूटफुल और नॉट। ऑलराइट, सो फॉर दिस पर्टिकुलर पर्पस वी आर गोइंग टू स्टडी 3 टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट वन इज बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, the second one is Poisson distribution, and the third one is normal distribution. see, वैसे तो ये चैप्टर काफी वाइड होता है, बट इन द सिलेबस ऑफ बीकॉम मनस वी आर गोइंग टू स्टडी ओनली दीज 3 टाइप्स ऑफ थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। बट इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली वन टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज कॉल्ड बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, जैसे आपने
स्टैटिस्टिक्स के फर्स्ट चैप्टर में जो हमने पढ़ा था दैट इज मीन मॉड मीडियन, एंड मैंने आपको वहाँ पर भी बताया था दैट द एग्जामिनर बेसिकली आस्क द एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, दैट इज बिजनेस एप्लीकेशन बेस्ड टाइप क्वेश्चन पूछेगा। सो दैट बिकॉज देखिए आपका सब्जेक्ट का नाम ही क्या है, दैट इज बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, दैट मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ द डेटा यू नीड टू एनालाइज लाइक वेदर टू मेक दिस विद डिसीजन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द बिजनेस ओनली। ऑल राइट, सो यहाँ पर भी आपको क्या होगा, एक डेटा गिवन होगा एंड यू नीड टू एनालाइज लाइक विच टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वुड बी एप्लीकेबल। राइट, सो आपको इसकी पहचान होनी चाहिए कि कौन से कि हम कौन से प्रॉब्लम पे हमें किस टाइप की डिस्ट्रीब्यूशन लगानी है। राइट, सो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है बेसिकली, इट बेसिकली हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग व्हेन वी हैव ओनली टू टाइप्स ऑफ इवेंट्स। लाइक यू कैन से इट बेसिकली एक्सप्रेस द प्रोबेबिलिटी लाइक इधर टू गेट सक्सेस और फेलियर। यहाँ लिख भी देता हूँ, सक्सेस और फेलियर। अब जैसे मैं बोलूँ लाइक टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, अब हेड के अलावा दूसरा और क्या सकता है, टेल, तो या तो हेड आएगा या तो फिर टेल आएगा। ठीक है, तो दो ही इवेंट होंगे, सो इसमें हम क्या अप्लाई करेंगे, दैट इज बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। सिमिलरली इफ आई वांट टू आस्क वेदर अ पर्टिकुलर पर्सन इज डाई और अलाइव, सो दो ही केस होते हैं, या तो अलाइव होगा या डाई डेड होगा। सो इन दिस केस ऑल्सो वी आर गोइंग टू अप्लाई बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ऑल राइट, तो यहाँ पर आप ये लिख सकते हो बेसिकली कि द बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन एक्सप्रेसिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ वन सेट ऑफ डाइकोटोमस अल्टरनेटिव। इसको हम क्या बोलते हैं, डाइकोटोमस अल्टरनेटिव बोलते हैं। डाइकोटोमस फॉर दिस आपको एक इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी पढ़नी होगी कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या है। प्रॉपर्टीज इन द सेंस आप कह सकते हो कि दैट वी नीड टू अप्लाई दी सम कंडीशंस, या आई कैन से वी नीड टू अप्लाई सम एजम्पशंस, मीन्स ओनली 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 ऑन द बेसिस ऑफ दीज एजम्पशंस वी कैन अप्लाई बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। राइट, द फर्स्ट एजम्पशन दिस दैट सपोज जैसे देखो देर आर ओनली टू पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, दैट मीन्स इन ईच ट्रायल देर आर ओनली टू पॉसिबल आउटकम्स फॉर दिस टाइप ऑफ पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन। दैट मीन्स इट कैन बी लाइक जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया लाइक डेड और अलाइव, सक्सेस और फेलियर, हेड और टेल। ठीक है, सो इन दिस केस वी हैव ओनली टू पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, इन ईच ट्रायल देन द नेक्स्ट फ्रिक्वेंसी वुड बी लाइक each trial are independent of each other. That means one event are not dependent on the another event. Okay, that means the result of the second outcome would not affected by the first outcome. Right, that means each trial and each event all of them are independent of each other. Okay, तो ये दो मेनली आपको प्रॉपर्टी याद रखनी है, मैं फिर से बता रहा हूँ। The first one is that is there are only the two types of outcomes, that means success or failure. Okay, and the second one is that each type or let's say all type of events are independent of each other. Right, so काफ़ी इजी है। अब देखिए हमें मेनली इसमें करना क्या है या हमें निकालना क्या है। देखिए अगर हम बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में देखेंगे तो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली निकालते कैसे हैं, इसको हम बेसिकली एक्सप्रेस कैसे कर रहे हैं। वी एक्सप्रेस दिस टर्म लाइक दिस, जैसे देखिए अगर मैं बोलूँ जैसे पी स्टैंड्स फॉर दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस और क्यू स्टैंड्स फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेलियर। ठीक है, तो हम कैसे निकालते हैं, दैट इज पी प्लस क्यू कितने नंबर ऑफ ट्रायल्स में,
ठीक है, तो कैसे करेंगे, क्यू एन प्लस एन सी वन क्यू एन माइनस वन देन एन सी टू क्यू एन माइनस टू देन एन सी थ्री क्यू एन माइनस, ये चलता रहेगा कब तक, व्हेन पी इज इक्वल टू एन, राइट। इसको आपको इसी तरह से इसको एक्सपेंड करना है। राइट, अभी मैं बताऊंगा आपको, जब नंबर हम ट्राइज करेंगे तो उसको और अच्छे समझ आएगा आपको कि किस तरह से करना है, किस तरह से करना। जैसे मान लीजिए लाइक सपोज वी हैव दी फाइव नंबर ऑफ ट्रायल्स, फाइव नंबर ऑफ ट्रायल्स तो कैसे करेंगे, देखिए पी प्लस क्यू की पावर क्या हो जाएगी, फाइव हो जाएगी, राइट। क्यू ये क्या आपका, देखिए क्यू फेलियर का है, दैट मीन्स सक्सेस की प्रॉपर्टी कहाँ पे जीरो हो जाएगी, तो फेलियर कितनी हो जाएगी, फाइव हो जाएगी, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। देन वी हैव, कैसे करेंगे इसको, देखिए फाइव सी वन दैट इज फाइव हो जाएगा, ठीक है, एंड क्यू क्यू एन माइनस वन दैट इज फोर, देन एन सी टू दैट इज फाइव सी टू हो जाएगा आपका टेन, क्यू थ्री एंड पी की पावर टू देन प्लस फाइव क्यू पी की पावर फोर, सॉरी एक टर्म और आई यहाँ पर, उससे पहले टेन क्यू टू पी की पावर थ्री एंड देन फाइव क्यू की पावर वन पी की पावर फोर एंड देन पी की पावर फाइव, ठीक है। इसी तरह आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए आपको ये शो क्या कर रहा है, सक्सेस और फेलियर, पी स्टैंड्स फॉर मीन्स सक्सेस होने के चांसेस कितने हैं, क्यू स्टैंड्स फॉर दैट मीन्स फेलियर होने के चांसेस कितने हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि डायरेक्ट फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट थ्री सक्सेस आउट ऑफ फाइव ट्रायल्स, तो एटलीस्ट एटलीस्ट थ्री बोला हुआ है, एटलीस्ट थ्री ऑफ गेटिंग सक्सेस, पी है आपका सक्सेस है, देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको एक लगाना है, एक तो ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा, बस इन दोनों को प्लस करो, बिकॉज क्या मतलब एटलीस्ट एटलीस्ट थ्री, ठीक है ना, एटलीस्ट थ्री। तो देखेंगे उसको एग्जांपल के थ्रू और अच्छे से समझेंगे। अब हमें साथ साथ इसके लिए कुछ कॉन्स्टेंट्स भी निकालने हैं, कॉन्स्टेंट्स ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, कॉन्स्टेंट्स ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्स्टेंट्स, क्या क्या निकालना है हमें इसमें, बिल्कुल हमें निकालना है मीन दैट इज इक्वल टू एन पी, एन स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ ट्रायल्स एंड पी स्टैंड्स फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस, राइट। देन वी नीड टू फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालेंगे हम, इक्वल टू अंडर रूट एन पी क्यू, ठीक है। फिर हमें निकालना है, देखिए हमने फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट यूनिट की हमने थर्ड यूनिट पढ़ी थी, दैट इज स्क्यूनेस मोमेंट्स एंड कटोसिस, तो ये उससे भी कुछ रिलेटेड है करता है। फर्स्ट वी नीड टू फाइंड आउट फर्स्ट मोमेंट, बिकॉज देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, एंड बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन किसका पार्ट है, क्या चैप्टर पढ़ रहे हैं हम, दैट इज कॉल्ड थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, एंड थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन हम क्यों कर रहे हैं, सो दैट वी कैन टेक आर डिसीजन एफिशिएंटली,
तो अगर आपको अपना डिसीजन एफिशिएंट लेना है सो दैट यू आपको जो है पूरा डेटा आपको अच्छे से एनालाइज करना है विद द हेल्प ऑफ प्रोबेबिलिटी, राइट। तो उसके लिए आपको पूरे डेटा को आपको एनालाइज करना है, दैट इज आपका डेटा कितना मीन है, कितना स्टैंडर्ड डेविएशन है, ठीक है। आपको आप जब निकालोगे फर्स्ट मोमेंट, सेकंड मोमेंट, थर्ड मोमेंट, फोर्थ मोमेंट, आपको अच्छे से पता है हम ये मोमेंट्स क्यों निकालते हैं, ठीक है। सो दैट वी कैन लाइक फाइंड आउट कि डेटा कितना आपका डेबिट कर रहा है, ठीक है, कितना आपका लाइक बोलते हैं इसकी इसकी आपकी डेटा जो है स्क्रीननेस है या नहीं है, कितना है वो भी देखना है। दैट मीन्स लेफ्ट टेल और राइट टेल या पॉजिटिव स्क्रीननेस या नेगेटिव स्क्रीननेस देखना है। देन वी ऑल्सो नीड टू फाइंड आउट दी कटोसिस, दैट इज फ्लैटनेस और थिकनेस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो उसी के हेल्प से तो आप बिजनेस में डिसीजन ले पाओगे, इसलिए हम यहाँ पर मोमेंट्स की हमें हेल्प लेनी पड़ेगी, राइट। तो देखिए फर्स्ट मोमेंट्स, अच्छा फर्स्ट मोमेंट को हम क्या बोलते हैं, दैट इज न्यू वन, ठीक है, एंड इट इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो, जैसे हमने मोमेंट्स में पढ़ा था। एंड देन वी विल फाइंड आउट सेकेंड मोमेंट, एंड सेकेंड मोमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू मीन, सॉरी वेरियंस, वेरियंस। तो देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन अगर ये है तो वेरियंस कितना होगा, एन पी क्यू, राइट। देन वी विल फाइंड आउट थर्ड मोमेंट, थर्ड मोमेंट दैट इज म्यू थ्री। कैसे निकालना है इसको, देखिए मैं आपको यहाँ पर सीधे सीधा डायरेक्ट जो है फॉर्मूला लिख रहा हूँ, आपको यहाँ पर कुछ इसकी कोई थ्योरम वगैरह नहीं करनी है, सो इट्स बेटर कि आपको बस इसको फॉर्मूला लर्न करना है, ठीक है। सो म्यू थ्री कैसे निकालना है, एन पी क्यू ब्रैकेट में है क्यू माइनस पी, एंड देन वी टू फाइंड आउट फोर्थ मोमेंट दैट इज इक्वल टू म्यू फोर। कैसे निकालना है आपको, थ्री एन स्क्वायर पी स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर प्लस एन पी क्यू वन माइनस सिक्स पी क्यू, ठीक है। अब हमें इन सब का करना क्या है, वी नीड टू फाइंड आउट बीटा वन, ठीक है। एंड आपको पता है कि बीटा क्या रिप्रेजेंट करता है, दैट इज स्क्यूनेस, राइट। इसमें बीटा वन कैसे निकालना आपको, क्यू माइनस पी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन पी क्यू, राइट। एंड अगर इसमें आपको गामा वन निकालना है, ठीक है, तो कैसे निकालोगे, अंडर रूट ऑफ बीटा वन। देन बीटा टू रिप्रेजेंट्स दी फ्लैटनेस और पिकनेस ऑफ द डेटा, दैट मीन्स इट बेसिकली टेल्स दी कर्टोसिस, राइट। कैसे करेंगे इसको, थ्री प्लस वन माइनस सिक्स पी क्यू डिवाइडेड बाय एन पी क्यू। सिमिलरली यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, गामा टू भी निकालेंगे। कैसे निकालते हैं, बीटा टू माइनस थ्री, दैट्स इट। देखिए आपको लगता है कि लाइक देर आर लॉट्स ऑफ फॉर्मूलाज, यस फॉर्मूलाज आर देयर, बट द थिंग इज वंस यू प्रैक्टिस एंड तो आपको धीरे धीरे सब कुछ लर्न हो जाएगा, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये डिफिकल्ट है। अभी देखेंगे हम जब इसे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे तो आपको खुद ही समझ आएगा कि काफ़ी ईजी है, राइट। सो दीज आर द कॉन्स्टेंट्स, दैट मीन्स दीज ऑल कॉन्स्टेंट दैट वी नीड टू फाइंड आउट इन दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। तो चलिए लेट्स डू सम प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑन दिस। फर्स्ट वन इज, अ कॉइन इज टॉस्ड सिक्स टाइम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग फोर और मोर हेड्स। तो आपको पता है, देखिए हेड के चांसेस कितने, दैट इज हाफ, ठीक है। एंड तो टेल के कितने होंगे, हाफ ही होंगे ऑब्वियसली, ठीक है। एंड कॉइन के जो इवेंट्स हैं वो कितने हैं, दैट इज टोटल सिक्स टाइम्स। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, क्वेश्चन नंबर वन, देखिए पी कितना होगा, मैं यहाँ पर लिख ही देता हूँ पी, यहाँ पर हम देख रहे हैं हेड के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, हाफ। सिमिलर पी क्यू दैट इज फॉर द टेल, ठीक है। वैसे आप क्यू को ये बोल सो दैट नॉट गेटिंग हेड कुछ बोल सकते हो,
प्रोबेबिलिटी यहाँ पर पी के क्या है, दैट इज फॉर गेटिंग हेड दैट इज हाफ, एंड क्यू क्यू बोलेंगे नॉट गेटिंग हेड, ठीक है, नॉट गेटिंग हेड उसका रिवर्स हो जाएगा, दैट इज हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए इसका एक्सपेंशन कैसे करेंगे, जैसे आपको मैंने फॉर्म बता दिया, क्यू प्लस सॉरी पी क्यू प्लस पी की पावर 6, ठीक है, किस तरह लगेंगे देखिए, क्यू 6 प्लस 6 क्यू 5 पी देन 15 क्यू 4 पी की पावर 2 देन 20 क्यू 3 क्यू 3 पी 3 की पावर 3 देन 15 क्यू 2 पी पावर 4 एंड देन 6 क्यू पी की पावर 5 एंड देन लास्ट वन इज पी की पावर 6, राइट। अब आपको थोड़ा डाउट होगा, सर आपने 16 15 20 सब कैसे लिखे, देखिए ऊपर जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था दिस वन, अगर आप करोगे देखिए एन सी वन दैट इज 6C1 तो 6 आएगा, ठीक है, देन 6C2 कितना हो जाएगा 15, जब आप उसको वेज निकालोगे ना नंबर ऑफ वेज के अकॉर्डिंग तो आपका ये आएगा, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है, बेसिकली प्रोबेबिलिटी का निकालना है, देखिए यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑफ ऑब्टेनिंग 4 हेड्स, हमें निकालनी है 4 हेड्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है बेसिकली। तो देखिए और प्रोबेबिलिटी 4 हेड्स देखिए कहाँ कहाँ पर है, देखो एटलीस्ट बोला था ना आई थिंक, यस 4 और मोर हेड्स है ना, 4 और मोर हेड्स, तो देखिए एक तो यहाँ पर है, यहाँ पर है एंड यहाँ पर है, तो बस इन सबको ऐड अप कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे, 15 q² p4 दैट इज इक्वल टू 15 हाफ की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय हाफ की पावर 4, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट 0.234। सिमिलरली फॉर दिस 6 q p की पावर 5, 6 मल्टीप्लाई बाय हाफ मल्टीप्लाई बाय हाफ की पावर 5, राइट। तो बस इसको सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट 0.094 एंड द लास्ट वन इज दैट इज पी की पावर 6, दैट मीन्स हाफ की पावर 6 हो जाएगा, सो यू विल गेट 0.016। बस आप सबको ऐड कर दो, 0.234 प्लस 0.094 प्लस 0.016 दैट वुड बी इक्वल टू 0.344, सो दिस इज द फाइनल आंसर, राइट। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बोल्ट इज 0.1, देखिए मैं आपको पहले बोलता हूँ जब भी आपके सामने क्वेश्चन आएंगे फर्स्ट यू नीड टू आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वुड बी एप्लीकेबल, राइट। तो मैंने आपको देखिए बायनरी डिस्ट्रीब्यूशन आपको मैंने पहचान लिया बताइए, इसके देखिए दो दो एजम्पशन है, द फर्स्ट एजम्पशन इज दैट देर आर ओनली 2 पॉसिबल आउटकम, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लिखा है इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बोल्ट इज 0.1, अब देखिए बोल्ट या तो डिफेक्टिव होगा या तो नहीं होगा, तो दो ही चांसेस हैं, या तो डिफेक्टिव होगा या तो नहीं होगा, ठीक है। तो पी क्या हो जाएगा आपका डिफेक्टिव बोल्ट एंड क्यू क्या हो जाएगा आपका नॉट डिफेक्टिव बोल्ट, राइट। तो इसमें आपका बायनरी डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा, तो हमें प्रोबेबिलिटी गिवन है, हमें निकालना क्या है, फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफेक्टिव बोल्ट्स इन अ टोटल नंबर ऑफ 500। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, क्वेश्चन नंबर 2, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बोल्ट कितनी होगी 0.1, तो क्यू कितना होगा 1 माइनस 0.1 दैट इज इक्वल टू 0.9, यही होगा। अब हमें एन गिवन है, एन कितना गिवन है हमें 500, राइट। हमें क्या निकालना है, मीन, मीन का अभी ऊपर हमने फॉर्मूला पढ़ा था, मीन का फॉर्मूला कहता है एन इंटू पी, सो दैट इज 500 मल्टीप्लाई बाय 0.1 दैट इज इक्वल टू हमने जस्ट अ मिनट
हमें कहने का ना मीन निकालना। यस ठीक है। सो सॉरी दैट इज इक्वल टू 50। एंड देन वी ऑल्सो नीड टू फाइंड आउट स्टैंडर्ड डिविजन, दैट इज अंडर रूट ऑफ एन पी क्यू। सो अंडर रूट ऑफ 500 मल्टीप्लाई बाय 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.9 सेट। सो फॉर दिस यू विल गेट 6.71। दैट इज वेरी सिंपल था। तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट। एंड देन सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पार्ट इज वी नीड टू फाइंड आउट द मोमेंट्स ऑफ को एफिशेंट। देखिए बीटा वन बीटा टू जो है वो को एफिशेंट नहीं है। को एफिशेंट क्या है, गामा वन गामा टू। तो हमें दोनों के बस क्या निकालने हैं, गामा वन गामा टू निकालना है बेसिकली। पार्ट नंबर बी कैसे करेंगे, देखिए गामा वन कैसे निकालते हैं, अंडर रूट ऑफ बीटा वन। एंड बीटा वन कैसे निकालते हैं, क्यू माइनस पी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन पी क्यू। ये बीटा वन होता है, अब इसका अंडर रूट ले लेंगे। तो क्या रहेगा, ये क्यू माइनस पी अंडर रूट में एन पी क्यू, राइट। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 0.9 माइनस 0.1 अंडर रूट ऑफ एन पी क्यू हमने निकाल लिया, दैट इज 6.71। सो दैट इज इक्वल टू 0.119, दैट्स इट। एंड गामा वन क्या निकालना था आपको, दैट इज बेसिकली टेल्स इट बेसिकली रिप्रेजेंट दी स्क्यूनेस। तो क्या बोल सकते हो आप इसका, बोलो सिंस दी गामा वन इज मोर देन जीरो सो दी डिस्ट्रीब्यूशन इज पॉजिटिवली स्क्यूड, दैट्स इट। ये लिखना है आपको, याद रखना। ऑल राइट। एंड देन वी ऑल्सो नीड टू फाइंड आउट दिस, दैट इज ये कैसे निकालते हैं हम, बीटा टू माइनस थ्री, राइट। तो बीटा टू कैसे निकालते हैं हम, बीटा टू हम निकालते हैं 3 प्लस 1 माइनस 6 पी क्यू डिवाइडेड बाय एन पी क्यू। देखिए हमें 3 से तो माइनस करना ही है, ठीक है। तो क्या करते हैं इसको, यहाँ पर 3 हटा ही देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली वही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो 1 माइनस 6.1.9 डिवाइडेड बाय एन पी क्यू। तो 6.71 का होल स्क्वायर कर देते हैं तो यू विल गेट 44.9, राइट। सो दिस वुड बी 0.01, ठीक है। 0.01 आएगा तो आगे के गामा वन, देखिए अगर बीटा टू देखते हैं तो अगर 3 से ज़्यादा तो क्या था आपका, दैट इज लेप्टोकोटिक, ठीक है ना। सॉरी यस लेप्टोकोप्टोकोटिक होता है, ठीक है। इक्वल टू 3 होता है तो मेसोकोटिक, लेस देन 3 होता है तो प्लेटिकोटिक, ठीक है। तो ये आपका मोर देन 3 आ गया क्योंकि पॉजिटिव में आपका, ठीक है। अगर आप 3 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 3.01। सो दैट मीन्स द डिस्ट्रीब्यूशन इज लेप्टोकोटिक, राइट। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। फाइव फेयर कॉइन्स आर टोस्ट 100 टाइम्स फ्रॉम द फॉलोइंग आउटकम्स, कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। देखिए ये क्वेश्चन तो इजी है, बट ये मैंने क्वेश्चन इसलिए यहाँ पर ऐड किया है बिकॉज ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया है, बहुत इजी बट आया काफ़ी बार है जी। तो देखिए हमसे पूछा गया है कि एक कॉइन को जो, सॉरी फाइव कॉइन्स को जो है 100 टाइम्स टोस्ट किया और एंड दे हैव ऑब्जर्व दिस फ्रीक्वेंसीज एंड वी नीड टू फाइंड आउट वट वुड द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या होगी, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या होगी ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेटा। सो क्वेश्चन नंबर 3। तो अब हमें, अच्छा हमें पहले देखना है कि यहाँ पर कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा। तो कौन सा लगेगा, बाइनोमियल कैसे पता लगेगा, क्योंकि देखिए अगर कॉइन टॉस करेंगे सो इधर वी गेट हेड और इधर वी गेट टेल, यही होगा। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी निकाल लें तो प्रोबेबिलिटी पी की कितनी होगी, हाफ, और क्यू की कितनी होगी, हाफ, दोनों की हाफ ही होगी यहाँ पर तो, ठीक है। एंड एन कितना गिवन है आपको, 500, 500 है ना, सॉरी 100,
फाइव कॉइन्स हैं, तो ये होने वाला आपका 100, स्मॉल एन हो जाएगा आपका 5। तो देखिए इसको हम किस तरह से करेंगे। नंबर ऑफ हेड्स आपको गिवन है 0, 1, 2, 3, 4, 5। ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है दिस वन। सो नंबर ऑफ हेड्स फिर हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी। एंड देन लास्ट वी नीड टू फाइंड आउट एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। सो देखिए इसको किस तरीके से करेंगे। इजी है बहुत, स्टार्टिंग में थोड़ा लगेगा आपको, बट ये कंसेप्ट काफ़ी इजी है। तो देखिए किस तरह से करेंगे। देखिए नंबर ऑफ हेड्स कितने हैं, देखिए जीरो हेड्स। अगर जीरो हैं तो दैट मीन्स क्या होगा, देखिए 5C0, 5C0 हाफ की पावर 5, सो दैट इज इक्वल टू 1/32। नंबर ऑफ हेड्स अगर वन आए तो क्या होगा, 5C1, ठीक है, हाफ की पावर 4 एंड हाफ की पावर 1, ठीक है। ये जो हाफ जो मैं लिखा है, हाफ की पावर ऊपर 5, ये क्या है, ये टेल के हैं। हेड्स जीरो है तो टेल कितना होगा, 5। एंड नंबर ऑफ हेड्स अगर 1 है तो दैट मीन्स हाफ की पावर 1 फॉर दी हेड्स एंड हाफ की पावर 4 फॉर दी टेल, राइट। सो दैट इज इक्वल टू 5/32। देन नंबर ऑफ हेड्स 2 में कितना हो जाएगा, 5C2, दैट मीन्स हाफ की पावर 3 एंड हाफ की पावर 2 एंड दैट इज इक्वल टू 10/32। देन नंबर ऑफ हेड्स फॉर 3, 5C3 हाफ की पावर 2 एंड हाफ की पावर 3 एंड दैट इज इक्वल टू 5/32। देन नंबर ऑफ हेड्स फॉर 5C4 हाफ की पावर 1 एंड हाफ की पावर 4 दैट इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4। ये भी आपका सेम ही आएगा, सॉरी सॉरी क्लास, ये आपका 10/32 आएगा एंड यहाँ पर आएगा आपका 5/32, सॉरी। एंड देन लास्ट 5C5 की पावर हाफ की पावर 5 एंड दैट इज इक्वल टू 1/32, राइट। बस अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको यहाँ पर कैसे करना है, 1/32 कितने नंबर ऑफ टोटल नंबर्स कितने हैं, दैट इज आपको 100, सो दैट इज इक्वल टू 3.125। सिमिलरली फॉर दिस 5/32 मल्टीप्लाई बाय 100, सो दैट इज इक्वल टू 15.625। देन 10/32 मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज इक्वल टू 31.25। ये भी इसका कितना आएगा, 31.25, इसका कितना आएगा 13.625 एंड इसका कितना आएगा 3.125, ठीक है। चलो ये तो आपने एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी ना ली, बट इसको चेक करने के लिए मैं चाहता ना इनका जो टोटल आएगा वो आपका 100 आना चाहिए। अगर आ गया सो दैट मीन्स यू हैव डन करेक्टली, ओके। सो दिस इज द वे टू फाइंड आउट द एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी इन ईच नंबर ऑफ ट्रायल्स, राइट। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अ स्टूडेंट ऑब्टेन द फॉलोइंग आंसर टू अ सर्टेन प्रॉब्लम गिवन टू हिम। मीन इज इक्वल टू फॉर 2.4, वेरियंस इक्वल टू 3.3 फॉर अ बाइनम डिस्ट्रीब्यूशन, कमेंट ऑन द रिजल्ट। देखिए हमें मीन गिवन है 2.4, हमें मीन गिवन है 2.4 एंड द वेरियंस इज 3.3। हमें चेक करना है कि वेदर दिस रिजल्ट इज
ट्रू और यू कैन से इज वैलिड और नॉट। तो देखिए पहले हमें देखते हैं इन दोनों में कॉमन क्या है। अगर देखा जाए, देखिए अगर हम जब हम बायनरी डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं तब मीन का फॉर्मूला क्या, तब का एन इंटू पी दैट इज इक्वल टू 2.4। एंड जब हम वेरियंस निकालते हैं दैट इज स्टैंडर्ड डिविएशन, क्या निकालते हैं एन पी क्यू दैट इज इक्वल टू 3.3, राइट। तो इन दोनों के हिसाब से अगर हम क्यू निकालें, ठीक है, जब हम क्यू निकालेंगे तो क्या आपका आएगा 3.3 डिवाइड बाय 2.4 एंड दैट इज इक्वल टू, जस्ट मिनट, हाँ एंड दैट इज इक्वल टू 1.33 समथिंग आएगा आपका। तो अगर देखिए क्यू की पावर वन, क्यू की वैल्यू 1.33 जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि तो देखिए हमारा बाइनरी डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, मतलब या तो हाफ हाफ ही होती है वैसे तो, या तो सक्सेस हो गया तो फेल हो गया, तो प्रोबेबिलिटी तो 50-50% होना चाहिए, ये तो मोर देन 100% आ रही है। सो दैट मीन दिस रिजल्ट इज नॉट वैलिड, ठीक है। तो ये बस एक छोटा सा क्वेश्चन था। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। लिखा है आउट ऑफ 320 फैमिलीज विद 5 चिल्ड्रन ईच, व्हाट परसेंटेज वुड बी एक्सपेक्टेड टू हैव थ्री सॉरी टू बॉयज एंड थ्री गर्ल्स एंड सेकेंड वन इज एटलीस्ट वन बॉय। सो देखिए ये भी इजी है, देखिए ऑब्वियसली फैमिली देखिए चिल्ड्रन है। अब यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर गिवन ही है कि पॉसिबल आउटकम दो ही है, दैट इज गर्ल और बॉय, ठीक है। वैसे देखिए चांसेस तो कुछ और भी हैं, ठीक है, बट यहाँ पर हमें एक मतलब ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्वेश्चन हमको एजम्पशन लेके चलना है दैट देर आर ओनली टू पॉसिबल आउटकम, दैट मीन्स बॉय और गर्ल, राइट। सो पूछ रहे हमसे कि आउट ऑफ 320 फैमिलीज विद 5 चिल्ड्रन ईच, यानी कि हर एक फैमिली की 5 बच्चे हैं, एंड हमें निकालना है कि व्हाट परसेंटेज वुड हैव टू बॉयज एंड थ्री गर्ल्स, कितने परसेंटेज फैमिली के टू बॉयज एंड थ्री गर्ल्स होंगे, हमें उसके एक्सपेक्टेड परसेंटेज निकालने हैं आउट ऑफ 320 फैमिलीज में से, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 5, जस्ट मिनट, यस क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय कितनी होगी हाफ, सिमिलरली ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल हाफ, ठीक है। तो इसको हम पी ले लेते हैं, स्मॉल पी दैट इज हाफ, एंड इसको हम स्मॉल क्यू लेते हैं दैट इज इक्वल टू हाफ, ठीक है। एंड एन गिवन है आपको दैट इज इक्वल टू 320, ठीक है। एंड फर्स्ट हम से देखिए क्या पूछा है, टू बॉयज एंड थ्री गर्ल्स, टू बॉयज एंड थ्री गर्ल्स ये पूछा हमसे, तो कैसे निकालेंगे देखिए यहाँ पर। देखिए जो फॉर्मूला होता है हमारा क्या होता है, दैट इज पी आर का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए एन सी वन क्यू एन माइनस आर पी आर, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी अगर निकालने हम टू बॉयज की, टू बॉयज एंड थ्री गर्ल्स, आर इक्वल टू टू, प्रोबेबिलिटी ऑफ टू बॉयज कैसे निकालेंगे, देखिए 5c2, 5c2 एंड दैट इज हाफ ऑफ एन माइनस वन, एन कितना आपका दैट इज 5 माइनस आर दैट इज इक्वल टू 3 एंड पी कितना हो जाएगा आपका हाफ की पावर 2, राइट। तो बस इसको सॉल्व करते हैं देन यू विल गेट 10/32। अब हमें करना है, निकालना है एक्सपेक्टेड परसेंटेज निकालना है, तो वो हम कैसे निकालेंगे, 10/32 मल्टीप्लाई बाय 320, सो दैट इज इक्वल टू 100। एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ फैमिलीज यानी कि इतने 100 फैमिलीज के जो हैं टू बॉयज एंड थ्री गर्ल्स होंगे, राइट।
फैमिली स्ट्रिंग। अब हमें परसेंटेज फॉर्म में निकालना है, तो परसेंटेज फॉर्म में कैसे निकालेंगे? देखिए क्या पूछा था हमसे? अच्छा टेन बाय 32 मल्टीप्लाई बाय, अच्छा इसको बस 100 ही कर दो, परसेंटेज निकाल लो। सो दैट इज इक्वल टू 31.25%। ओके सो दिस इज द वे ऑफ कैलकुलेटिंग दिस। देन नेक्स्ट पार्ट इज दैट इज वी नीड टू फाइंड आउट एटलीस्ट फॉर एटलीस्ट वन बॉय। तो हम यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, देखिए जैसे देखिए यहाँ पर मैंने रखा था पी आर इक्वल टू 2 रखा था, तो आप क्या करना, एक तो रखना पी 0 एंड पी 1 निकालना, एटलीस्ट वन बाय बोले ना, एटलीस्ट वन। अब ज़्यादा कुछ बोल सकते हैं भाई, एटलीस्ट वन यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, इसके बजाय क्या करो आप 0 एंड जीरो का ही निकालो, उसको 1 से माइनस कर देंगे, दैट्स इट, 0 निकालो, दैट इज पी आर इक्वल टू 0। तो क्या रहेगा आपका 5c0 हाफ की पावर 5 एंड हाफ की पावर 0, तो ये क्या रहेगा 1/32, माइनस कर दें इसको 1 - 1/32, दैट इज 31/32। बस इसका परसेंट निकालना है ना, ऐसे क्या आप नंबर फंडेस निकालना, ठीक है, इजी है। सो नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, हाउ मैनी टॉसेस ऑफ ए कॉइन आर नीडेड सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड इज 87.5। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बट है इजी। ठीक है, क्या पूछा है कि कितने नंबर ऑफ टॉसेस ऑफ कॉइन में हमें जो है एटलीस्ट एक हेड की प्रोबेबिलिटी, अगर ये है देखिए, अगर हमें एटलीस्ट एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी अगर कितनी होगी 87.5, तो हमें कितने नंबर ऑफ कॉइन को कितनी बार हमें फ्लिप करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड कितना होगा, हाफ नॉट गेटिंग हेड हाफ ही होगी। ठीक है, एंड क्या पूछा था हमसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन हेड। अब एक बार पता नहीं कितना होगा, 1, 2, 3, 4, 5 की हमें पता ही नहीं कितने नंबर ऑफ कितने नंबर कितनी बार टॉस कर रहे हैं, तो क्या करेंगे हम जीरो जीरो से कहते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या था हमारा पी आर, अभी ऊपर मैंने फॉर्मूला क्या निकाला था, देखिए एन सी आर क्यू एन माइनस आर पी की पावर आर, इससे क्या निकालते हैं हम पी 0 निकाल लेते हैं। तो क्या रहे देखिए यहाँ पर एन सी 0, एन तो हमें पता ही नहीं, ठीक है, एंड क्यू 0 हो जाएगा एंड पी, सॉरी 0 क्यों होगा, एन होगा ना, तो एन होगा पी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब जब हम निकालेंगे तो यहाँ पर क्यू एन जो है हाफ की पावर एन रह जाएगा हमारा। ठीक है, तो पी आर मोर देन इक्वल टू 1, एटलीस्ट 1 निकालना हमें, तो वो हमें कितना क्यों मिलता, 87.5%। सो उसको क्या लिख सकते हैं 0.875 इस तरह ले सकते हैं। ठीक है, सो 0.875, अब एटलीस्ट 1 ने तो उसको 1 से माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो 0.875 इक्वल टू 1 - इसको हम 0.5 लिख सकते हैं, 0.5 लिख सकते हैं, तो बस इसको हम इधर ले जाते हैं 0.5 पावर एन इक्वल टू 1 - 0.875। सो 0.5 की पावर एन इक्वल टू 1 दिया जाएगा आपको, तो आपको पता ही है वो, ये देखिए ये 5 का क्यूब बन गया, सो एन की पावर आपकी 3 आ रही, दैट्स इट, इजी था क्वेश्चन ये। सो नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। अ मशीन प्रोड्यूसेस ऑन एन एवरेज 20% डिफेक्टिव बोल्ट्स। देखिए डिफेक्टिव बोल्ट्स हैं, सो दैट मीन्स आपको या तो डिफेक्टिव बोल्ट मिलेंगे या तो नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब पूछा है कि एक मशीन जो है प्रोड्यूस करती है ऑन एवरेज 20% के डिफेक्टिव बोल्ट निकलते हैं। अब लिखा है अ बैच इज एक्सेप्टेड,
If a sample of 5 bolts taken from that batch contains no defective, कि एक बैच को हम एक्सेप्ट तब करेंगे जब हम 5 सैंपल लेंगे और उसमें से एक भी डिफेक्टिव नहीं होगा, तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। रिजेक्ट कब करेंगे? इफ दिस सैंपल कंटेन्स 3 और मोर डिफेक्टिव, 3 या 3 से ज़्यादा अगर बोल्ट्स अगर डिफेक्टिव निकले तो उसको रिजेक्ट करेंगे। इन अदर केसेस सेकेंड सैंपल इज टेकन, दैट मीन्स सेकेंड सेकेंड सैंपल देखे कब लेंगे हम, अगर डिफेक्टिव बोल्ट हमारे जो हैं अगर 3 से कम आए, दैट मीन्स 1 या 2, 1 या 2 आए तो देखिए 0 आए तो एक्सेप्ट हो जाएगा। पर रिजेक्ट कब होगा? 3 या 3 से ज़्यादा। और तो सेकेंड सैंपल कब लेंगे? जब डिफेक्टिव 1 या 2 आए। सो लिखा है व्हाट इज द प्रॉबिलिटी दैट इज सेकेंड सेकेंड सैंपल इज रिक्वायर्ड, तो सेकेंड सैंपल की जरूरत की पड़ने की हमें उसकी क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 7, तो पी देखिए डिफेक्टिव बोल्ट कितने हैं, 120% है ना आपका, सो दैट इज 1/5। तो क्यू कितना हो जाएगा आपका, 4/5, राइट। अब हम निकालना है प्रॉबर्टी ऑफ सेकेंड सैंपल। सेकेंड सैंपल यानी कि हमें निकालना है, तो पी हमें निकालना है पी वन एंड पी टू दोनों ऐड करेंगे बस खत्म। तो 5C1 4/5 की पावर 4 एंड यहाँ पे आपका रहेगा 5C2 4/5 की पावर 3 एंड 1/5 की पावर 2। ठीक है, दोनों को हम बस ऐड कर देंगे तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 0.6144, दिस इज द फाइनल आंसर, राइट। सो क्लास विद दिस वी हैव फिनिश्ड द फर्स्ट टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज बायोमेट डिस्ट्रीब्यूशन। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल डू अनदर टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज पोइसन डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, सो क्लास आई होप यू हैव फिनिश्ड आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। थैंक यू।